शराबी आदमी पागल क्यों हो जाता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लेडी उसके हस्बैंड को लेकर मेरे पास में आई और उनका कंप्लेंट यह था कि भाई ये मेरा हस्बैंड बहुत ही शराब पीता है, सुबह से टक लगा रहता है, शाम को पीता है, रात को पीता है। अभी बड़े मुश्किल से सवेरे से अभी तक मैंने उसको रुकाया और अभी आपके पास में लेकर आई। आते आते वो दो बार भागने की उसने कोशिश किया कि भाई मैं शराब पी के आता हूँ, मगर उसको पकड़ के हमने जबरदस्ती लाया। तो इसका इलाज करो। तो भी क्या होता है कि शराबी जो है, अल्कोहल एडिक्ट जो है, जिसको लत लगी हुई है शराब की, नशा चढ़ गई है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को जब सवेरे पूछते उठने के बाद में तो बोलते हैं हाँ हमको शराब छोड़ने की है, शराब पीना अच्छा नहीं है। तो उनका इरादा पक्का रहता है, उनका इंटेंशन पक्का रहता है कि अपने शराब छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक को ऐसा समझता है, मालूम है, नॉलेज है कि शराब बुरी चीज़ है, उसका एडिक्शन बुरा है। जैसा जैसा दिन आगे बढ़ते रहता है, सो दोपहर हो जाती, शाम हो जाती, तो वो जाके फिर पी लेता है, कुछ भी करेगा और पी लेगा। मतलब देखा जाए शराबी आदमी को आप ऐसी जगह ड्राई एरिया में आप छोड़ दो, जहाँ ड्राई बिल्कुल शराब मिलेंगी नहीं ऐसा छोड़ दो, ऐसी जगह में वो शाम को आपको पूरा टुन मिलेगा, पूरा पिके हुए मिलेगा। क्यों? वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे और शराब पी लेंगे शाम को। मतलब अभी लॉकडाउन के पीरियड में सारी दुकानें शराब की बंद थी, तभी शराबी लोगों को बराबर शराब मिल रही थी और बराबर पी रहे थे। तो बात यह है कि उनको इतना विड्रॉल आता है, इतना विड्रॉल आता है, सिम्टम्स लक्षण, कि रहा नहीं जाता, उसको लक 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 दिल करता है, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है, पसीना आ जाता है, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना। और फिर जो ज़्यादा पीते रहते अल्कोहलिक, बहुत एडिक्ट है, सीवियर एडिक्शन, तो उनको शराब नहीं लिया तो 24 घंटे बाद में उनको पागल जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे कान में आवाज आना, ऐसा लगता है कोई आ रहे है, मार रहे, पकड़ रहे, वो भागम भाग खुद चालू कर, कोई आ जाएगा, मार कुछ मारेगा, कोई कुछ करेगा, भाई इसलिए बहुत घबराए रहते हैं कि उनको कुछ दिखता है सामने की, देखो देखो लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं, तो बहुत सीवियर लक्षण है, हमको लगता है कि वो पागल हो गया। तो एक्चुअली पागल नहीं रहता वो, शराब नहीं मिलने की वजह से उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं। अभी क्या है कि अल्कोहलिक को लगता है तो सुबह उसको लेने, मतलब लेकर आना पड़ता है हॉस्पिटल में, शाम को नहीं लेकर आना, जब वो बोलता है मेरे को छोड़ना है, और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब एडमिट करते हैं तब उसको मेडिसिन देते हैं, जो घबराहट है, बेचैनी है, वो कम करने की मेडिसिन, फिर नींद नहीं आती तो नींद की मेडिसिन, फिर उनको खाना पीना नहीं होता, उल्टियाँ होती रहती है, पसीना तर होता है, किसको फिट आती रहती है, तो उसके लिए मेडिसिन सलाइन देते हैं। यूजली क्या होता है कि अल्कोहलिक जो लोग हैं उनको याददाश्त कम हो जाती है, उनके विटामिन्स कम रहते हैं उनके बॉडी में, तो उनको मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन देते हैं, सलाइन देते हैं, तो उसके वजह से उनका जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाता है। और ये सब होने के बाद में वो 24 घंटे से लेके 96 आवर तक ये सिम्टम्स चलते रहते हैं, बाद में वो शांत होता है। बाद में फिर उसको साइकोथेरेपी चालू करते हैं, फैमिली थेरेपी चालू करते हैं, फिर उसको एंटाबू चालू करते हैं, डायसल्फिराम, तो डायसल्फिराम चालू करते हैं, जिसके वजह से वो ऐसा स्पर ऑफ द मोमेंट जाके शराब नहीं पिएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अपन गोली खा रहे, एक सुबह एक शाम को वो गोली खानी पड़ती है, और वो गोली खाने के बाद में जब वो शराब पीता है तो उसको उल्टियाँ शुरू होती है, या पसीना आएगा, या चक्कर आएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, पसीना, घबराहट, बेचैनी, लो बीपी, उसको लगता है कि अपन मर जाएंगे। मतलब शराब पीने के बाद में उसको रिएक्शन आती है, गोली से कुछ नहीं होता, गोली खाए तो कुछ नहीं होगा, मगर शराब पिए तो शराब और गोली का रिएक्शन होता है बॉडी में, उसको सिम्टम आते, उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगा, तो इसलिए फिर वो शराब पीता ही नहीं। तो ये फिर गोली हम उसको देते हैं और उनको, उनको घर वालों को बोलते कि उसको गोली खिला उसको सुबह शाम। कुछ कुछ लेडीज आती है हमारे पास में, वो हमारे से गोलियाँ ले जाती है, हमको बोलते नहीं मगर गोलियाँ ले जाते हैं उनके हस्बैंड के लिए बाद में, और उनको बिना बोले फिर हस्बैंड को देते रहते गोलियाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि गोली दे दिया तो इनका हस्बैंड शराब पिएगा नहीं, क्योंकि उसको उल्टियाँ आती है शराब पीने के बाद में, और वो शराब से दूर रहता है। मेनली क्या है कि इनको अल्कोहलिक को एक तो विटामिन डिफिशियंसी होती है, उसका इलाज, मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, B12 डिफिशियंसी, याद नहीं रहता, ये कहीं भी गिर जाते हैं शराब पी के तो दिमाग को मार लगता है, तो मार लगने के बाद में दिमाग को चोट दी पहुंच गई तो उससे फिर फिट्स वगैरह आ सकते हैं, या अल्कोहल नहीं मिला उससे भी फिट आते हैं। तो इस तरह उसका इलाज यदि करते हैं तो अल्कोहल एडिक्शन का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ विथ रिलेटिव, मतलब रिश्तेदारों के साथ में भी हम पेशेंट को रखते हैं, और रिश्तेदार रहने को तैयार नहीं है तो बिना रिश्तेदार भी हम पेशेंट को भर्ती रखते हैं। यूजली हम 1 से 3 महीना उसको
प्रतिरक्त, क्योंकि कोई भी आदत छुड़वानी है तो हमको कम से कम एक महीना, मिनिमम एक महीना रखना उसको जरूरी है, तो फिर वो आप उसकी आदत छूट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आने को तैयार नहीं रहते, तो लोग बोलते कि हमको घर पे आके ले जाओ, तो हम हमारे डॉक्टर्स, हमारे कंपाउंडर्स घर पे भेज देते हैं, उनको समझा के उनको उठा के लेके आते हैं, क्योंकि बहुत शराब पी रहे थे, उनको उठा के लेके आते हैं और हमारे यहाँ फिर दाखिल करते हैं। फिर हम उनको फैमिली थेरेपी के लिए बुलाते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग होती है उसमें बुलाते हैं, और यूजुअली क्या होता है कि ये लोग शराब छोड़ देते हैं। तो ये अल्कोहल एडिक्शन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बीमारी है जो लोगों को हो चुकी है। बहुत सारे लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, मगर सोशल ड्रिंकिंग करने वालों ने ख्याल में रखना चाहिए कि जो हफ्ते में एक आधी बार लेते हैं या कोई फंक्शन में लेते हैं, 6 में से 1 आदमी शराबी बनता है, इसलिए शराब पीना ही नहीं। मगर अभी लॉकडाउन में भी हमारे गवर्नमेंट में शराब की सब दुकानें पहले खोल दिया, सबसे पहले वही काम किया, क्योंकि उसमें से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को आता है, और इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि शराब चालू रहे। लोगों को भी चाहते और गवर्नमेंट को भी चाहते, शराब कैसी बंद होगी, वो तो होंगी लोक जागरूकता से। तो हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा। आपके पास में जो भी लोग हैं, ऐसे आपके पहचान के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उनको पता चलेगा कि ये बीमारी है, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल एडिक्शन, शराब की लत, ये बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है और वो व्यक्ति नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो शराबी लोगों को शेयर करो, उनको, उनके पत्नियां जो है मतलब वाइफ्स, उनको शेयर करो, 4000 लोगों को शेयर करो, ताकि वो अपना अपना इलाज कर सकेंगे। आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग हमसे कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप फ्री चैटिंग करके सलाह ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन कोर्सेस है वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।